अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वेबिनार शीट पे कोडिंग की गई है और मूल्यांकन हमारा 22 तारीख से शुरू हो चुका है। मंडल के निर्देश थे 22 से मूल्यांकन शुरू करना, मूल्यांकन शुरू हो गया। अभी 10th की हमारे पास 36,000 कापी आई है, 12th की 25,000 कापियाँ हैं। 10th में हमें 2 सब्जेक्ट मिले हैं, 12th में भी 2 सब्जेक्ट मिले हैं। क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही है, 12 बजे तक परीक्षाएं चलती है, उसके बाद वैल्यूअर्स फ्री होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी स्थानीय जो वैल्यूअर्स है वही हमारे परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित हो रहे हैं और हमने कल एक दिन में लगभग 1100 कापी चेक कर ली है। शासन के मंडल के जो निर्देश है कि निश्चित समय में मूल्यांकन का रिपोर्ट होना चाहिए, निश्चित हम मंडल के नियम और नियमों का पालन करते हुए निर्धारित दिनांक के पूर्व मूल्यांकन समाप्त कर देंगे। सर कितने शिक्षक कॉपी चेक कर, कितने बच्चों ने परीक्षा दी? नहीं, मूल्यांकन के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट से कापी आई है, अन्य जगह की कापियां है। हमारे यहाँ भी वर्तमान में 57 मूल्यांकन करता है। चूंकि पिछली बार जो भुगतान की बात थी कॉपी चेक को लेकर, उस शुल्क बढ़ाया गया इस बार शिक्षक? हाँ निश्चित, इस बार परीक्षा मूल्यांकन के लिए शुल्क बढ़ाया गया है, 3 रुपया प्रति कापी प्रत्येक 10वीं और 12वीं के लिए बढ़ाई गई है। अब 16 रुपया हायर सेकेंडरी के लिए और 15 रुपया हाई स्कूल के लिए मूल्यांकन की मानदेय की दर निर्धारित की है। क्योंकि कॉपी जांची जा रही है, सीसीटीवी कैमरे में पूरा चीजें कैद है, बाहर गार्ड की व्यवस्था भी है, ये सब सुरक्षा के लिए है। बाहर सुरक्षा गार्ड इसलिए है कि अनाधिकृत व्यक्ति मूल्यांकन केंद्र में प्रवेश ना करे। सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगा रखे है कि हमारे मूल्यांकन केंद्र अधिकारी उत्कर्ष विद्यालय प्राचार्य सुधीर सोमानी जी वाच करते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर का कोई व्यक्ति किसी तरह से अंदर प्रवेश कर ले या मूल्यांकनकर्ता कापी चेक ना करते हुए आपसी चर्चा करे, इस तरह के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। सर आने वाले समय में बढ़ेंगे कॉपी चेक के लिए? निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे मूल्यांकनकर्ता बढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतम पेपर हमारे 26 तारीख को हाई स्कूल की परीक्षा खत्म हो जाएगी, बायोलॉजी 12वीं की परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी है 12वीं विषय की, तो संख्या बढ़ना है।